एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। जिस निकिता तिवारी, आप सभी ये क्वेश्चन आते कि मैम आप केवी में कौन सी जगह रहते हैं। तो आज मैं आपको अपने क्वार्टर की सैर करवाने वाली हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा क्वार्टर है। फिर यहाँ बाहर की तरफ इतना एरिया पूरा खुला सा है, हाँ। और यहाँ पर हमारा बॉडी गार्ड है शेरू, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए हमेशा तैनात रहता है यहाँ पर। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं रूम्स पर। ये है मेरी मम्मी। मम्मी से हाय। हाय। देखिए यहाँ पे एक बेड है और ये आप देख रहे हैं ये मेरा सेटअप है। इसी बैकग्राउंड के आगे मैं बैठ के आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ पे देखो ये भगवान जी हैं और ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए क्या है। ये जब मैं केवी की तैयारी कर रही थी तभी मैंने बनाया था। से ये ऐसा ही है। अब यहाँ पे एक दूसरी विश लिखेंगे। जैसे आपको जो विश चाहिए होती है उसको मैं ऐसे यहाँ बोर्ड पे लिख देती हूँ और फिर कुछ टाइम में वो विश जो है पूरी हो जाती है। ये पूरा 2 BHK है। दो रूम है यहाँ पे, एक ही रूम हो गया और सामान ऐसे फैला हुआ है क्योंकि हम लोग तो स्कूल में इतने बिजी रहते हैं कि हमें संवारने की फुर्सत नहीं रहती। फिर ये दूसरा रूम है, यहाँ पर भी ऐसे यहाँ पर एक अलमारी पूरी दी हुई है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। बाहर थोड़ा गैलरी का हल्का सा स्पेस है, हाँ। वैसे बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप पूछ रहे थे तो मैं दिखा देती हूँ कि हम कैसी जगह पे अपना गुजारा कर रहे हैं। यह है हमारा किचन। और फिर आ जाते हैं इधर की तरफ। ये इस साइड है वॉशरूम, इधर भी है दूसरा वॉशरूम। और ये देखिए ये पूरा एरिया, यहाँ पे हम पानी आता है सुबह, ब्रश करते हैं सुबह जल्दी से, ऐसे तैयार होकर निकल जाते हैं। ये पूरा एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ऐसे। और ये हैं तुलसी जी, जय कर लीजिए तुलसी जी हैं। फिर यहाँ पीछे बैक गेट है, बैक गेट से आप जा सकते हैं बाहर। इसको भी दिखाऊंगी और आसपास का जो एरिया है वो भी दिखाऊंगी। ये इसके अंदर हमारे क्वार्टर के अंदर ये कि पेड़ है, किस चीज़ का याद नहीं आ रहा मुझे। मम्मी किस चीज़ का है, मम्मी को भी नहीं पता है। पर है इसमें तो बहुत सारी चीज़ें नीचे गिरती रहती हैं, बच्चे ऐसे ही कुछ होगा रोज़ पत्ते गिर जाते हैं, रोज़ यहाँ नीचे है सफाई करनी पड़ती है यहाँ पे। चलो अब बाहर का एरिया दिखाती हूँ। अब बाहर जाने से पहले आप मेरी फ्रेंड से मिल लीजिए श्वेता। हम दोनों एक साथ एक ही क्वार्टर में रहते हैं और एक साथ जाते हैं स्कूल में। ये फर्स्ट क्लास की टीचर है और मैं सेकेंड क्लास की। चलिए अब यहाँ से आपको हम ले कर चलते हैं। हमारे पास इधर भी काफ़ी सारा एरिया है सब्जियाँ उगाने के लिए। ये है कड़ी पत्ता जो कि हम सब्जी में डाल लेते हैं। इसके साथ ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं ये मेरे क्वार्टर के साइड से ही है, मतलब इसमें हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये है कड़ी पत्ता, ये आप देख रहे हैं ये नींबू का पेड़ है। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये पूरा एरिया है। और मेरे हिस्से में एक आम का पेड़ भी है पर बड़े दुख की बात है कि इस बार उसमें आम नहीं आए हुए हैं वरना हम खा के जाते। ये देखिए ये रहा मेरा आम का पेड़, ये है पूरा आम का पेड़। और ये रहा मेरा क्वार्टर। यहाँ इस आम के पेड़ में इस बार आम खाते लेकिन यार पिछली साल यहाँ पे लगता है आम हो गए थे इसलिए इस बार आम नहीं आए। ये है पूरा एरिया, ये रोड, इधर ही सबके क्वार्टर्स बने हुए हैं दूर दूर तक। और ये वाला है हमारा। और फिर बैक डोर से फिर हमें फ्रंट गेट पर आ गई। तो ये था हमारा छोटा सा घर, टाइप 2 मिला हुआ है। और इसमें क्या है कि मार्केट काफ़ी दूर हो जाता है, हमें वॉक करके 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है तब जाके आप कोई सब्ज़ी लेके आ सकते हैं। और इतना स्कूल से हम थक जाते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम रोज़ यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें, घूम सकें। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी जो है ऐसे ही कोई ना कोई पेपर निकाल के अपने क्वार्टर शेयर कीजिए। कैसे आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ आपको कैसा क्वार्टर मिला हुआ है। यहाँ केवी में मुझे यही क्वार्टर मिला हुआ है। ऐसे ही क्वार्टर है सब, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप के होते हैं जिसमें से टाइप 2 अभी वैकेंट था इसलिए मुझे मिल गया। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। और ये वीडियो इसलिए ताकि आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएँ कि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपको ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि क्वार्टर भी अलाट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला तो क्वार्टर के पैसे आपको दिए जाते हैं, है ना। तो
मोटिवेट होइए और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। डेरेड में एडमिशन लीजिए, पीआरटी टीचर बनिए, टीजीटी पीजीटी जो भी आपको पसंद है वो बनिए और अच्छे से ऐसे ही क्वार्टर लीजिए। ओके, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू।